गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं सब जनसारी किशोर। टुडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। इन लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन एक्सरसाइज 11.1। नाउ इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज 11.2। So before that, I will explain some basic concepts. 11.3 construction of tangents to a circle. आगे जो हमने construction के बारे में पढ़ा, जिसमें कोई line segment दी है, उसके division करने हैं, 2 division करने हैं, 3 division करने हैं। Second सीखा हमने जो triangle थे, triangle में जैसे 7/3 करना है, 5/7 करना है, तो इस तरह से डिवीज़न करके उसके एक्सटेंड करना है, उसके इनर में जो है उसको क्या करना है, डिवीज़न करना था, पैरेलल दूसरा में ट्रायंगल क्रिएट करना था। नाउ यहाँ पर जो सर्कल है उसके टेंजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने आगे के चैप्टर में, दैट इफ़ अ पॉइंट लाइज इनसाइड अ सर्कल देर कैन नॉट बी टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू दिस पॉइंट। जहाँ पर सर्कल पर पॉइंट आता है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। हाउएवर इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल देन देर इज अ ओनली वन टेंजेंट टू द सर्कल एट दिस पॉइंट एंड इट परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट। देयरफॉर इट यू इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, simply draw the radius through this point and draw a line perpendicular to this radius through this point and this will be the required tangent at the point. Also you have seen that if the point lies outside the circle there will be 2 tangent to the circle from this point. You will now learn how to draw this tangent. So let's start the exercise 11.2. okay, ये हमारी 11.2 है, ये पूरा जो हमारा ड्रॉ है। यहाँ पर देखिए तो कि आपको पूरा ड्रॉ दिखाई देवे, इसीलिए ये मैंने जो डिस्टेंस है बढ़ा दिया है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ाने से शायद आपको दिखने में प्रॉब्लम होगा। लेट्स सी कि यहाँ पर है 11.2, ड्रॉ अ सर्कल, आपको दिखाई नहीं दे प्रॉपरली तो यू कैन सी योर टेक्स्ट बुक जिसमें क्वेश्चन नंबर 11.2 में 1 है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इट्स सर्कल इट्स अ सेंटर। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमें एक सर्कल बनाना है जिसमें रेडियस रहेगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर से हमें सेंटर से एक पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे लेना है। ओके, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। ओके, नाउ सी रिक्वायर ड्रॉइंग, तो सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ। ओ से हमें क्या करना है, सर्कल 6 सेंटीमीटर का, यानी ये जो सर्कल है हमारा, ये ओ से सेंटर वो कितने का है, 6 सेंटीमीटर का सर्कल है। अभी ओ से ये पी, ओ से पी एक दूसरा पॉइंट लेना है जिसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, जिसका डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 6 यहाँ तक रहेगा ये सर्कल तक, और उससे आगे कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो रेडियस है वो 6 है, तो 6 से आगे 4, यानी पार की साइड एक पी पॉइंट आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ जो पॉइंट लिया ये पी, उसके बाद हमें क्या करना है, ऑलवेज हर एक में सेम करना होता है कि ओ और पी इसका क्या दोनों है, हमें परपेंडिकुलर बनाना है। ओ और पी का क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है, जो ओ पी को एम पॉइंट पर क्या होता है, इंटरजेक्ट होता है। ओके, तो ये हमने परपेंडिकुलर बनाए। ओके, ये जो लाइन दो ड्रॉ की है वो क्या है, ओ पी का परपेंडिकुलर, यानी ओ पी का मिड पॉइंट हुआ, ये क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। अभी जो ओ एम है, ओ एम या एम पी, या ओ एम इज इक्वल टू एम पी हो जाएगा। अभी एम को सेंटर लेकर
एम को सेंटर लेकर ओ एम तक हमें क्या करना है, ये जो हमारा राउंडर है उतना मेजर लेकर हमें एक पूरा दूसरा क्या बना देना है, सर्कल बना देना है। वो सर्कल बना दोगे तो ये हमारा ये एम सेंटर, यहाँ पर जैसे ओ सेंटर रखकर हमने सर्कल बनाया था, यहाँ पर एम को सेंटर लेकर हमें क्या बनाना है, एक सर्कल बना देना है। और उसके बाद क्या करना है, तो ये जो पी है, पी से हमें जहाँ पर ये सेंटर टच होता है, ये सर्कल दूसरा जो सर्कल फर्स्ट सर्कल से टच होता है, वहाँ पर क्यू पॉइंट दो और यहाँ पर क्या कर दो, आर पॉइंट दो। ये दोनों जो है, ये जो ओ क्यू, ये हमारा क्या है, ये एक रेडियस है, और ओ आर वो भी क्या है, एक रेडियस है। ओके, तो ये जो पॉइंट हमें आर दे देना है, नीचे वाला पॉइंट, ऊपर वाला क्यू पॉइंट, यहाँ पर ड्रॉप की कंप्लीट होती है। अभी किस तरह से कंस्ट्रक्शन के पॉइंट लिखे वो देख लो, कि जॉइन ओपी, ओपी को क्या करना है, जॉइन करना है एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ऑब्टेन मिड पॉइंट एम। ओपी को ड्रॉ करने के बाद हमें उसका मिड पॉइंट एम फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ ड्रॉ द एम विथ सेंटर एम एंड रेडियस ओ एम, ओ एम रेडियस लेकर, एम को सेंटर लेकर, टू इंटरजेक्ट द सर्कल विद द सेंटर ओ एट क्यू एंड आर। अभी सर्कल बनाएंगे जो ओ जो सेंटर सर्कल है उसको ऊपर की साइड क्यू और नीचे की साइड आर से क्या होता है, इंटरजेक्ट होता है। नाउ जॉइन पी क्यू, पी क्यू को ज्वाइन करो और पी आर को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। थस पी क्यू एंड पी आर द रिक्वायर टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ विथ फ्रॉम पी। द लेंथ ऑफ ईच दिस टेंजेंट, ये जो लेंथ है उसकी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू और पी आर दोनों क्या हो गए, 8 सेंटीमीटर हो गए। पी क्यू और पी आर कितने हो गए, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो पी क्यू और पी आर कितने हो गए, 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। नाउ सी द सेकंड वन, सेम थिंग है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय द एक्चुअल कैलकुलेशन। यहाँ पर सेम करना है कि हमें दो सर्कल बनाने हैं। देखो कोस कैसेंट्रिक सर्कल है, एक जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, यहाँ देख लो ड्रॉ में एक है 4 का, दूसरा जो बनाया है वो कौन सा है, 6 का है, यानी ये 4 सेंटीमीटर वाला अंदर बनेगा और दूसरा जो बाहर की साइड है जो क्या है, 6 सेंटीमीटर का है। ओके, अभी क्या करना है देखो, तो ड्रॉ टू कोसेंट्रिक सर्कल विद द रेडियस 4 एंड 6 एंड द सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है। देन ड्रॉ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर जो सर्कल है उसका टेंजेंट ड्रॉ करना है। उसका टेंजेंट कहाँ से करेंगे, तो ये जो बड़ा सर्कल है वहाँ से टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द बिगर सर्कल, ऑल्सो मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड वेरीफाई ऑफ द बाई कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हमें ये कोसेंट्रिक, ये 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेकर एक सर्कल बनाना है, दूसरा 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर दूसरा एक सर्कल बनाना है। ओके, उसके बाद ये जो स्मॉलर सर्कल है ये 4 सेंटीमीटर वाला, उस पर हमें क्या करना है, एक टेंजेंट बनाना है। तो कैसे टेंजेंट बनाओगे, तो यहाँ पर जो पी लिया, ओके, ये जो बिग सर्कल है वहाँ से हमें क्या करना है, एक पी पॉइंट लेना है, एक ओ पी ड्रॉ कर देना है। ओ पी का क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है, यानी ओ पी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, और ओ एम रेडियस लेकर, ओ एम रेडियस लेकर हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। ओ एम रेडियस लेकर क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। वो सर्कल बनाओगे, सर्कल बनाने के बाद आप क्या करोगे, ओ क्यू को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। ओके, ओ क्यू को ज्वाइन कर दोगे, यहाँ पर ओ आर ज्वाइन नहीं किया लेकिन ओ भी कर सकते हो। ओके, नाउ सी द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ द सेगमेंट ओ पी, ज्वाइन द सेंटर ओ ऑफ द कोसेंट्रिक सर्कल एंड द पॉइंट पी ऑन द बिगर सर्कल। Draw the perpendicular bisector of OP to obtain its midpoint M. Now draw the circle with the center M and radius OM to the intersect the smaller circle at Q and R.
ड्रॉ पी क्यू एंड पी आर, यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया लेकिन हमें दिया है यानी वो भी ड्रॉ करना बाकी है. ओके, सो पी क्यू एंड पी आर आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द बिगर सर्कल ऑफ द स्मॉलर सर्कल. द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टेंजेंट इज 4.5 सेंटीमीटर. ओके, तो ये टेंजेंट है यानी ये पी क्यू और पी आर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी. ओके, यहाँ पर दिया नहीं लेकिन ये है. ओके, और दोनों ये जो पी क्यू आर है, जो क्यू और आर है वो कितने का होगा, 90 का होगा. ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द थर्ड वन. ओके, उन्होंने फाइंड आउट भी किया है देन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर इन 36 माइनस 16 इन 20. तो पी क्यू अंडर रूट 20, तो 4.475 यानी 4.475 उसको यानी 4.5 कह दिया है. ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द थर्ड वन. तो थर्ड में क्या है, तो थर्ड में है ड्रॉ अ सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक टू पॉइंट पी क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटर्नल डायमीटर एट द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दिस टू पॉइंट पी एंड क्यू. तो यहाँ पर एक पहले सर्कल बनाना है जिसका रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर यानी बीच वाला जो सर्कल है वो सेंटर से लेकर 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस बनाना है. अभी उसके बाद क्या करना है कि ओ से हमें दोनों साइड आगे लेना है. जहाँ ओ है तो एक साइड ओ पी बनाना है, दूसरी साइड ओ क्यू बनाना है. कितना सेंटीमीटर लेना है दोनों साइड, डिस्टेंस कितना लेना है, देखो यहाँ पर ड्रॉ अ सर्कल विद द सेंटर ओ एंड रेडियस 3, टेक टू पॉइंट पी एंड क्यू ऑन द एक्सटेंडेड डायमीटर एक्स वाई ईच एट द 7 सेंटीमीटर यानी यहाँ से 7 सेंटीमीटर, यहाँ से 7 सेंटीमीटर. ओके, तो दोनों बनाना है 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ. देन ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम पी एंड क्यू टू द सर्कल विद द सेंटर ओ. तो सबसे पहले हमें ये एक सर्कल बनाएंगे ओ का 3 सेंटीमीटर का, उसके बाद ओ से पी 7 सेंटीमीटर, ओ से क्यू 7 सेंटीमीटर. ओके, ये हम बनाएंगे. उसके बाद क्या करेंगे, ये बनाने के बाद फिर से वही आगे की मेथड कि हमें क्या करना है, ओ और क्यू का क्या बनाना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है. इस तरह से ओ और पी का परपेंडिकुलर बनाना है. वो परपेंडिकुलर बनाएंगे यानी हमें मिड पॉइंट मिलेगा. तो ओ क्यू में हमें एन मिड पॉइंट मिलेगा और ओ पी में एम मिड पॉइंट मिलेगा. अभी ये मिलने के बाद क्या करना है, हमें ओ पी लेकर ओ एम या एम पी लेकर हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है. सेम थिंग इस साइड एन ओ या एन क्यू लेकर एक क्या करना है, सर्कल बनाना है. सर्कल बनाने के बाद हमें क्या करना है, जो ओ क्यू है जहाँ पर टच होता है सर्कल स्मॉल सर्कल को, वहाँ पर एक ओ सी अरे क्यू सी और क्यू डी बना दो. इस तरह से यहाँ पर पी से पी ए और पी बी बना दो. तो ये आपका जो है ड्राइंग क्या हो गई, कंप्लीट हो गई. अभी उसको खाली कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं. तो सबसे पहले बाइसेक्ट सेगमेंट ओ पी टू ऑब्टेन इट्स मिड पॉइंट एम. ओके, ड्रॉ द सर्कल विथ सेंटर एम एंड द रेडियस ओ एम टू इंटरसेक्ट द सर्कल विथ द सेंटर ओ एट ए एंड बी. नाउ जॉइन पी ए और पी बी. देन पी ए एंड पी बी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी टू द सर्कल विथ ओ सेंटर. नाउ बाइसेक्ट सेगमेंट ओ क्यू टू ऑब्टेन इट्स मिड पॉइंट एन. ओके, अभी ड्रॉ द सर्कल विथ सेंटर एन एंड रेडियस ओ एन टू इंटरसेक्ट द सर्कल विथ द सेंटर ओ एन एट सी एंड डी. नाउ जॉइन ओ क्यू अरे क्यू सी और क्यू डी. देन क्यू सी एंड क्यू डी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू टू सर्कल विथ सेंटर ओ. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है. नाउ वी हैव टू लर्न अनदर. यहाँ पर ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. यहाँ 5 सेंटीमीटर का पहले क्या बनाओ, सर्कल बनाओ. जैसे यहाँ पर दिया है, ये क्या है, 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल है. अभी क्या करना है, आफ्टर दैट विच आर द इंक्लिन टू इच अदर एट एंड द एंगल ऑफ 60. तो बाहर हमें जो टेंजेंट बनाना है वो कितने का बनाना है, बोला है 60 का. तो बाहर टेंजेंट अगर 60 का बनाओगे, जैसे ये एंगल अगर 60 का बनाना है, तो हमें ये एंगल कितने का बनेगा, 120 का बनेगा.
तो हमें 120 का एंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लो, पहले ये एक सर्कल बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का, उसके बाद सामने एक पॉइंट ले लेंगे। अभी ये 60 का एंगल बनाना है, तो 60 का एंगल कैसे बनाएंगे तो वो देखने के लिए हमें एक यहाँ अगर 60 का एंगल बनाओगे तो ऑटोमेटिकली 120 को, लेकिन यहाँ 120 का बनाना है तो ये देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट पर जैसे 60 और अगेन 60 तो 120 का पॉइंट हो जाएगा। 60 और अगेन 60 लोगे तो कितना हो जाएगा, 120 का पॉइंट है, तो 120 यहाँ पर बना दोगे तो यहाँ सामने ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 60 का एंगल बन जाएगा। अभी इसकी जो थियरी दी है वो किस तरह से दी है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेप्स दिए हैं, तो सबसे पहले हमें दिया है कि क्या करना है कि ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर सर्कल बना देना है। उसके बाद ड्रॉ अ रेडी ओ एन ओ बी, रेडी समय ओ ए ओ बी सच दैट, इस तरह से बनानी है कि ए ओ बी 120 का यानी 180 का 60 कम हो जाए, यानी एक सीधी लाइन में 60 हमें क्या कर देना है, कट कर देना है। ओके इस तरह से बना देना है। नाउ फ्रॉम ए एंड बी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ ओ ए और ओ बी रिस्पेक्टिवली टू इंटरजेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी, देन सी ए एंड सी बी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 60। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से 5 और 6 ये भी दूसरे सम है, लेकिन इसी तरह से आप अपने आप ट्राई करना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ ये आपका जो चैप्टर है 11 जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।